जहां कोरोना वायरस बड़ी तेजी से भारत में अपने पैर पसारता जा रहा है, उसने अपनी चपेट में लेकर कई घरों के चिराग छीन लिए, कई घरों से उनके मुखिया छीन लिए। ऐसे घरों के चिरागों को रोशन करने के लिए भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अजय शर्मा ने एक मुहिम चलाई है जिसका नाम है हमारा परिवार। हमारा परिवार के तहत वे लोगों को हर वे साधन और जरूरत की चीजें दे रहे हैं जिससे उनका जीवन यापन न हो सके। वे पीड़ित परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करा रहे हैं। उनकी संस्था हमारा परिवार का एक नारा है, सबको रोटी सबको शिक्षा, हमारा परिवार की यही है इच्छा। जब हमारे संवाददाता कुमार प्रजापति अजय शर्मा से बात की तो आखिर उन्होंने क्या कहा, देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका HBN न्यूज में। इस समय हमारे साथ भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अजय शर्मा जी है। अजय शर्मा जी ने एक मुहिम छेड़ रखी है हमारा परिवार, आखिर वो हमारा परिवार क्या है, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अजय जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। अजय जी आपने जो मुहिम छेड़ रखी है हमारा परिवार, आखिरकार वो क्या, उसके बारे में हमें बताइए। कोरोना काल में पिछले मार्च से लेकर अब तक जितने भी परिवारों के बच्चे अनाथ हुए हैं जी, कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें माँ और पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, अनेक परिवार ऐसे हैं पिताजी कमाने वाले थे माताजी कुछ नहीं करती हैं और उनकी मृत्यु हो गई है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा भी प्रॉपर नहीं मिल पा रही और खान पान की व्यवस्था नहीं है। हमारा परिवार ने तय किया है पूरे गाजियाबाद में ऐसा कोई भी अनाथ नहीं रहेगा जिसको शिक्षा या राशन की समस्या। हम गाजियाबाद के अंतर्गत हमारा परिवार के माध्यम से ऐसे सभी परिवारों में सभी बच्चों की शिक्षा की चिंता और उनके पालन पोषण की चिंता कर रहे हैं। हमने नारा दिया है सबको रोटी सबको शिक्षा, हमारा परिवार की यही है इच्छा। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम गाजियाबाद में चल रहे हैं और धीरे धीरे मुझे लगता है गाजियाबाद के बाद और शहरों में भी इसको शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं गाजियाबाद पर कंसंट्रेट किया हुआ है। इसी कड़ी में हमने खोड़ा में आज चार परिवारों को मदद की है। मैं पिछली बार 3 दिन पहले भी आया था, उस समय मैं 4-5 परिवारों में गया था, उनकी मदद की थी। खोड़ा में ऐसी कई समस्या कई परिवारों में दिक्कत थी, आज एक गोस्वामी परिवार में गया और 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, कोई कमाई का साधन नहीं है, उनको हर महीने राशन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे और उनके बच्चे का यहाँ स्कूल में एडमिशन करा के 12वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। अगर कोई कोरोना से पीड़ित है तो वो आपसे कैसे संपर्क करेगा? मैंने अपना हेल्पलाइन नंबर दे रखा है 27105128271050 7850 7710 5120। इस नंबर पर कोई भी कॉल करेगा उसको रेस्पॉन्ड करेंगे और उसकी मदद करेंगे। जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं HBN के माध्यम से जनता से कहना चाहता हूँ 2 गज की दूरी रखें और मास्क को निश्चित रूप से लगाएं और भीड़ भाड़ में न जाएं, लॉकडाउन का पूरा पालन करें। आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है, इसके लिए आपको दिल से आभार। बहुत धन्यवाद आपका भी। आपके भी संज्ञान में ऐसा कोई विषय है, कोई परिवार हो जो कोविड की वजह से अनाथ हो गए बच्चे, उनकी रोजी रोटी की और शिक्षा की व्यवस्था करेंगे? पूरे गाजियाबाद में कहीं भी ऐसा कोई परिवार हो आप हमें बता सकते हैं, उनकी हम चिंता करेंगे। हमारा परिवार ने प्रण किया है कि गाजियाबाद में कोई भी परिवार अगर परेशान है तो उसकी हम चिंता करेंगे। ये हैं हमारे साथ अजय शर्मा जी, जिन्होंने एक मुहिम छेड़ी है हमारा परिवार। मैं सुनील कुमार प्रजापति।